खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। खेदड़ जो गौशाला है उसके अंदर हाँ और मामला का अपना पता भी है। उसके बाद में 90 दिन का लगभग धरना चलता दी हो गए थे, फिर लाठी चार्ज कर दी गई क्योंकि ये मांग मनवाने के लिए गए थे। पहले इनकी दे भी दी थी वार्निंग भाई हम इस तरह तय ट्रैक ना रोकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर लाठी चार्ज करी गई, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ाई गई। और इस टाइम पर भी बहुत क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो चल रही है, जो धर्मपाल था जो शहीद हो गया था लाठी चार्ज के दौरान, तो उसकी भी डेड बॉडी नहीं मिलने लग रही है। हमारे साथ में रीमन नैन है जिससे काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ तक जुटावा हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सक्रिय भूमिका इनकी रही है। राम राम जी। जी राम राम। तो इस टाइम पर के सिचुएशन चल रही है क्योंकि लाठीचार्ज होया था, कुछ लोग पकड़े गए थे, डेड बॉडी है वो भी नहीं मिली है, कल का दिन भी निकल गया, तो के कुछ चल रहा है? देखिए डेड बॉडी कल से हमारी अग्रोहा मेडिकल में है और हम यहाँ से जो बॉडी गई थी वो हिसार गई थी और हमें बिना बताए वो बॉडी हमसे चोरी छुपे से प्रशासन ने उठा करके अग्रोहा पहुँचा दिया। कल जब हमारी पूरी की पूरी कमेटी उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए गई, उसकी वीडियोग्राफी के लिए अड़ी, तो सरकार ने अपनी एक तरीके से चाल को खेलते हुए लगभग शाम 6, 6:30 या 7 बजे तक उस कमेटी को अपने पास रखा ताकि धरने के ऊपर से जो लोग हैं वो चले जाएंगे और उसके बाद हम जो समझौता करेंगे वो कर लेंगे। लेकिन धरने के ऊपर लोग डटे रहे और शाम को उन्होंने जवाब दे दिया कि डेड बॉडी हम आपको नहीं दे सकते, यदि आपको डेड बॉडी चाहिए तो आपको सबसे पहले ये हमारी ये कंडीशन है कि आप इसको घर ले जाते ही इसका दाह संस्कार करोगे, लेकिन गांव वालों ने ये करने से साफ मना कर दिया। उसके बाद हमारे 4 भाइयों को जेल के अंदर डाला हुआ है जिनका कल तक ये नहीं पता था वो कहाँ है कहाँ नहीं, आज भी ये नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। लगभग 302 के मुकदमे लगा करके उनको जेल के अंदर डाल दिया है। तो कितने लोगों के ऊपर बाय नेम अभी तक 302-307 के आए हैं? लगभग 10 लोगों के ऊपर है बाय नेम मुकदमा और वो बाय नेम सबसे पहले जो गांव के साथी हमारे उसके अंदर अनिल बिछड़ा है जिसका भी पूरा फ्यूचर बाकी पड़ा था। एक तरफ सरकार ये कहती कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो लड़का मुश्किल से उसने अभी 12वीं पास की होगी, आगे उसकी सारी पढ़ाई पड़ी थी, आगे उसका फ्यूचर पड़ा था, नौकरी पेशा उसका पड़ा था, उसको जेल के अंदर 302 की धारा लगा करके डाल दिया है। उसके बाद सुनील है, अमन है, मनदीप है, सतेंद्र सारण जी हैं, रामनिवास जी हैं, ब्रह्म प्रकाश जी है, शमशेर सिंह जी हैं जो पूर्व सरपंच है गांव के, कलीराम जी हैं और रवि आजाद जी जिनके ऊपर 302 के मुकदमे लगाए गए। 302 और 307 समेत 12 टोटली आईपीसी की धाराएं हमारे उन साथियों पर लगाई गई जो आंदोलन कर रहे थे। सुबह तक कमेटी बैठी थी भाई कुछ न कुछ फैसला लिया जाओ, कुछ निर्णय लिया जाओ, करीबन 1 बजे कमेटी अंदर तक उठ आई है, उसके बाद में कौन सा कठोर फैसला के आगे की रणनीति लेकर आई? कठोर फैसला यही है, पूरे हरियाणा स्तर की एक कॉल दी गई है जिसके अंदर सभी खापे, सभी संगठन, सभी यूनियन शामिल होंगी और एक महापंचायत 13 तारीख को करेंगे और उसके बाद कोई ना कोई आगे का कड़ा फैसला लेंगे। तो 72 घंटे जो अल्टीमेटम है वो दिया गया है जी, 72 घंटे का टाइम दिया गया और अभी जो हमारी कमेटी है वो अभी भी मीटिंग के लिए प्रशासन के साथ गई हुई है, उससे पहले यदि सकारात्मक बातचीत होती है और बात आगे बढ़ती है तो उसके बाद अगर बात नकारात्मक रहती है तो 13 तारीख की महापंचायत होगी। तो आपने इस बारे में लगता नहीं कि जो मामला बहुत छोटा था और थोड़ी सी बातें निपटाया जा सकता था तो इतना बड़ा वादा बधवा दिया? देखिए मामला छोटा नहीं था, हमें पहले ही पता था कि सरकार कंपनी की सरकार है और जो ये प्लांट है एक कंपनी के द्वारा ही लगाया गया प्लांट है और इसके ऊपर आज एक तरीके से मैं कह दूं प्रभुत्व भी कंपनी का ही है, ठेकेदारों का है। इस सरकार को चोट कहाँ से पहुँचती है जहाँ से कंपनियाँ खड़ी हैं और कंपनी को चोट पहुँचाने का काम गाँव खेदड़ ने किया है। तो मामला तो हमें तो शुरुआत से ही लग रहा था कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था जहाँ तक आज पहुँचा है। जो हालात इस सरकार ने किए हैं, हर आंदोलन इस सरकार के अंदर जो लगा है बहुत लंबा इन्होंने चलाया और 2-4 साधतें लेकर के उठा है। तो एक बात और है, नहीं लाठी चार्ज की नौबत नहीं आ रही थी, धर्मपाल को मरने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, केस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जब पहले बोल दिया था कि भाई हमारी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करवा दो, रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री है उसकी भी बड़ा धड़ाका था, बोल दिया नहीं बोले तम हो कौन किश्ती बुलाए थे, इस तरह की भाषा का ज्यादा प्रयोग करें। देखिए उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, खेदड़ गांव की कमेटी की लगभग दस दौर के अंदर बातचीत हुई होगी कुल मिलाकर के, उसके अंदर सीएम भी आ गया, उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी आ गए, उसके अंदर राज्य मंत्री भी आ गए, उसके अंदर एक नॉर्मल एमएलए से लेकर के और सीएम तक
से बात हुई खेदड़ कमेटी की, लेकिन हर बार बात जो रही वो नकारात्मक रही। दूसरी बात, जनता के चुने हुए लोग जब ये बातें बोलते हैं तो दर्द तो होता है, लेकिन जनता को भी ये सोचना चाहिए कि किन लोगों को चुनकर आप लोगों ने आगे भेजा है, और आने वाले समय में उनको दशा और दिशा जरूर दिखानी चाहिए। तो पहले जो प्रशासन है वो काफ़ी अड़का में ले रहा था, लेकिन आप मेरे हिसाब से सीरियस हो गया जब पता चला भाई पूरा हरियाणा उठ का आ गया है, क्योंकि 13 तारीख की काफ़ी बड़ी कॉल है कि भाई 13 तारीख को अगर आप रिश्तेदारी में फ़ोन करोगे, कहीं पे भी फ़ोन करोगे, आपने वो लोग यहाँ पर बुलाने हैं। देखिए, जान लेने के बाद तो हर कोई सीरियस होता है, और जान लेने का काम इस सरकार ने कराया है, इस प्रशासन ने कराया, खास तौर पर कहा कि जिस तरीके से सबसे आगे हमारे अंकल जो धर्मपाल जी थे वो सबसे आगे थे और बड़ा टक्कर प्रशासन से ले रहे थे, तो बड़ा दुख हुआ, जान उनको गंवानी पड़ी। उनके परिवार के लिए जो सती है, चाहे कितने ही पैसे दे लो, चाहे कितने ही नौकरियां दे लो, उससे वो सती नहीं भरेगी। लेकिन प्रशासन को भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि जो जान धर्मपाल की है वही जान आप लोगों के अंदर है, कम से कम किसी भी प्रदर्शन के दौरान ये जरूर सोचना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हो। तो जनता तय, आप क्या कुछ मैसेज दोगे लास्ट में, जितने भी वीडियो देख रहे हैं हरियाणा के या बाहर के कहीं? अपील यही है, गांव खेदड़ आज इतनी बड़ी मुसीबत में है, यदि 13 तारीख की महापंचायत के अंदर आप पहुँचोगे तो खेदड़ गांव आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। एक शहादत के ऊपर एक शहादत हुई है, वो भी हक की लड़ाई लड़ते लड़ते और गौ माता के लिए लड़ते लड़ते। आप सभी साथी, आपके सभी दर्शकों से खासतौर से अपील करती हूँ कि 13 तारीख को पहुँचने का काम अवश्य करें। तो भाई, काफ़ी सभी लोगों ने मार्मिक अपील की है, मैं भी अपनी तरफ से अपील करूंगा कि जितने भी साथी यहाँ पर पहुँच सके हैं तो ज़रूर पहुँचिए, क्योंकि लड़ाई या एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, गौ माता को बचाने की ये लड़ाई है, पूरे गांव की इज्जत दांव पर लग रही है, और 1200 से 1500 गायें जो आज भुखमरी के कगार पर खड़े होने की बड़ी उनकी मैं कहूँगा कि दशा होगी है, क्योंकि अगर चारा नहीं बचेगा, चारा कहाँ था होगा, राखी था होगा, राखी का टेंडर कहीं और चला गया है, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी गौशाला यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन इसका जो अंत करना चाहे है या खेदड़ जो कमेटी या सरकार प्रशासन सारे मिलकर ने, और एक गांव आगे खड़ा है, उस गांव ने आज सभी की जरूरत है, गौ माता ने आपकी सभी की जरूरत है, तो आप इस मैसेज की ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करोगे भाई, और अपने जो विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।